रोड साइड पर जो रात के वक्त चाय साइकिल पर जो बैठकर सिगरेट और अपनी दो तीन चीज़ें उसके पास रखी है, ये भी कैरेक्टर है। उसका एक रिलेशन है रोड साइड, उसी रोड पर जहाँ ये साइकिल पे चीज़ें बेचता है रात को, वहाँ एक बुज़ुर्ग लेडी आती है वहाँ पर और रोज़ उसको देखता है ये, एंड बेसिकली वो कॉलगर्ल टाइप की लेडी है वो, एंड एक कहते हैं ना कि ना चाहते हुए भी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक रिश्ता इसका उस लेडी के साथ बन जाता है क्योंकि ये रोज उसको देखता है और जिस दिन वो नहीं आती है तो ये जाता है उसको बुलाता है कि चल चल आपका वक्त हो गया है, ऐसा एक रिलेशन बन जाता है। काफी इमोशनल कैरेक्टर है इसका, ये साइकिल वाले का। तो जब अश्विन ने मुझे इस बारे में बताया कि ये वो बना रहा है एंड ऐसा ऐसा कैरेक्टर है, तो वो इमिजिएटली हिट कर गया बिकॉज ऑनेस्टली काफ़ी वक्त से मुझे भी ऐसा कोई कैरेक्टर चाहिए था करने के लिए, एंड पीपल विल सी मी इन समथिंग विच दे हैव नॉट सीन। बेसिकली बहुत टाइम से कॉमेडी चल रहा था, तो ये एक थोड़ा सा लोगों को एक शॉकिंग वो हो जाएगा जब वो ये किरदार स्क्रीन पर देखेंगे। और अली जी बताइए, इरम सेक्रेटेरियट के बारे में कुछ बताइए, इरम फरीदी जी के बारे में बताइए, अश्विन कौशल जी आपके बहुत मित्र है, बहुत साथ में आपने काम भी किया है, थोड़ा इन सब के साथ में वापस आप बहुत काम कर रहे हो तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? अश्विन तो कहते ना कि बहुत पुराना मेरा साथी है एंड मैं फर्स्ट टाइम उसके डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, इरम जी का प्रोडक्शन में फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ और क्वाइट ग्रेटफुल टू हर टू यू नो ट्रस्ट मी विद सच अ लवली कैरेक्टर, एंड अच्छी प्रोडक्शन है एंड बहुत एंथू रहती है वो अपने प्रोडक्ट को, एक होते हैं ना वो माँ की तरह है, तो जैसे बच्चे को पालते हैं ना कैसे ये भी करना है वो भी करना है वो भी करना है, तो वो भी अपने प्रोडक्ट को लेकर के बहुत एंथू रहती है, ये करूँगी वो करूँगी ऐसे करूँगी, एंड आई विश वी हैड ऐसे दो तीन और प्रोड्यूसर्स होते हैं तो हम एक्टरों के लिए बहुत अच्छा होता, एंड आई विश ऑल द बेस्ट अश्विन, ऑल द बेस्ट, एंड ये फेडोराज रिंकल जो है इस प्रोजेक्ट को ऑल द वेरी बेस्ट। एंड अभी तो आज तो मेरा पहला दिन है पर आज ही ऐसे लग रहा है कि यार ये जल्दी रेडी हो जाए और जल्दी हम इसको स्क्रीन पर देखें, एक होता था वो नर्वसनेस एंग्जाइटी लेवल एंड अपने आप को इस किरदार में स्क्रीन पे देखने के लिए बेताबी बेताब सा हो रहा हूँ मैं बिल्कुल। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ अस। यस मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज फेडोरा रिंकल्स का चौथा शूट है और अली सर भी आए हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आई एम सो इतनी एंथुजियास्टिक हूँ सर ने, सही बोला अली असगर सर ने, कि जब अश्विन सर ने मुझे बोला अली असगर सर के बारे में और मैं अली असगर सर के बारे में हम कैसे बता सकते हैं, वो तो ही इज़ द आइकन ऑफ इंडियन सिनेमा। क्यों? शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन बहुत लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में, लेकिन हमें हंसाते बहुत कम लोग हैं, और अली सर नोन है हंसाने के लिए, उन्होंने दादी का जो रोल किया है काफ़ी अच्छे अच्छे शोज़ में, अभी झलक दिखलाजा भी उन्होंने किया था, एंड मैं सच में बताएं हमारी लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स है, लेकिन अली सर जब स्क्रीन पे आते हैं तो मैं इतनी खुश होती हूँ, और सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि ये अली असगर सर हमारी फेडोराज रिंकल्स के पार्ट हैं, बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं, बबलू का किरदार निभा रहे हैं, और सच में अली सर दैट्स अ प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड कि इन फ्यूचर और भी हम अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं, तो मैं अली सर को उसमें सबसे पहले लेना चाहूँगी। मैम एक सवाल मेरा ये उठता है, सर हमें काफ़ी हंसाते नजर आ रहे हैं, आप इतना इमोशनल आपने दे दिया है बिकॉज इसलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि कहते हैं ना सब ऊपर वाले की सब मेल हम पे बरसती है, हम अच्छा काम करते हैं तो शायद उस सब कायनात मिलाने की कोशिश करती है, उस टाइप का डायलॉग्स भी रहे हैं हिंदी फिल्म में।
अली सर ने जब से इस मतलब हमारी फिल्म में कदम रखा है और इसके पार्ट हुए, आज सच में फर्स्ट डे है उनका, लग ही नहीं रहा है कि ऐसा लगा कितनी बार हम उनके साथ शूट कर चुके हैं। इज रियली डाउन टू एंड अ वेरी प्योर सोल एंड सच में हमने कहा ना, हम इरम्स एंटरटेनमेंट, हमें बहुत गर्व है अली असगर सर के साथ काम करने का। और सर हंसाते भी हैं तो सर रुलाते भी हैं, ये भी मुझे पता है, तो ये उनका एक छुपा हुआ हुनर है जो हम जरूर अपनी फिल्म के द्वारा जरूर सामने लाएंगे। हाय, मैं हूँ हीना पंचाल और आप मुझे अभी फिलहाल इरम्स एंटरटेनमेंट में फेडोरा रिंकल्स करके मूवी के अंदर वो सेट पे हम बैठे हैं। मैं जाना चाहूंगा फेडोरा रिंकल्स में आप जो शॉट दे रहे हैं आज के, थोड़े शॉट के बारे में बताएं कि आपका रोल क्या है इसमें, किस तरह का कैरेक्टर है आपको दिया? ये एक स्पेशल अपियरेंस है और ऑब्वियसली आपने मुझे स्पेशल अपीयरेंस करते हुए काफी गानों में देखा है, बट ये स्पेशल अपीयरेंस कुछ अलग है जो कि मैं बताना नहीं चाहूंगी। इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी ताकि आपको पता चले कि हीना पंचाल ने इसमें क्या अलग किया है। फिल्म के जो प्रोड्यूसर है इरम फरीदी, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? मैं उनके लिए बोलूंगी करके, वो अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, शी इज प्रोड्यूसिंग एंड इट्स अ रियली वेरी गुड फिल्म, यू शुड वॉच इट एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट टू डू लॉट ऑफ मूवीज एंड आई बी द पार्ट ऑफ इट। तो साथ में साथ में इरम एंटरटेनमेंट के कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं जैसे फैजल अली है, फिर जुनैद भाई है और हिमेश है, ये सब, और जो कैरेक्टर के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबके अपने अपने कैरेक्टर है, अली जी है, सुष्मिता मैम है, मैं हूँ, सो हमारा एक एक कैरेक्टर है जो कि अगर मैं आपको पूरी डिटेल बता दूँ तो फिर उसका वो फील ही चला जाएगा, बट इट इज़ अ वेरी इंटेंस एंड वेरी थ्रिलर बेस्ड मूवी, सो इट इज़ वेरी ग्रेट टू वॉच आई थिंक एंड आई एम एंजॉयिंग इट बींग ऑन द सेट। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे ये कैरेक्टर, ये जो मैं जो कर रही हूँ रोल, वो मुझे प्ले करने के लिए भी मज़ा आ रहा है बिकॉज ये मैंने कभी नहीं किया है, so all together it's a good package I feel, yeah that's all। director जी है हमारे अश्विन कौशल से साथ, जो actor भी है जो director भी है, इनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? मतलब वेरी फ्रैंक, काम किया के साथ में? मैंने काफी डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, बट जब मैं सेट पे आई और उनसे मेरी मुलाकात हुई बिकॉज उन्होंने मुझे ये रोल के लिए सेलेक्ट किया था, सो जब मैं उनको मिली तो मुझे वो फ्रेंडली वाइब होता ना, एक दोस्त वाला, लाइक ही इज एन डायरेक्टर, ही हैज अ पोजीशन, बट आई डोंट फील लाइक दैट, आई फील लाइक ही इज लाइक फैमिली एंड ही टॉक्स वेरी ब्लंटली एंड वेरी कामली, ही इज लाइक तुम चिल करो, तुम करो जो, मैं मैनेज कर लूंगा, वैसे वाला फील है, सो या आई एम एंजॉयिंग हिज एनर्जी एंड वाइब ऑल ओवर द सेट। वेरी सपोर्टिंग पीपल, दे आर हेल्पिंग मी एंड दे आर मेकिंग मी सो कम्फर्टेबल बिकॉज मैं एक दिन में ये कर रही हूँ और उन्होंने मुझे इतना ऐसे बना दिया करके, मैं बहुत बड़ा पार्ट है मेरा इसके लिए, एंड दे ट्रीटेड मी लाइक अ फैमिली, टेकिंग केयर मेरा कम्फर्ट जोन, दे सब कुछ नोटिस कर रहे हैं और वो लोग देख रहे करके मैं हूँ और अच्छे से कर रही हूँ अपना काम। एंड में आपके फ्रेंड को इस फिल्म के लिए क्या कुछ कहना? मेरे फैंस को यही बोलूंगी कि आपने हीना को काफी एंटरटेन करते हुए देखा है, डांस करते हुए देखा है, एक लाइव परफॉर्मर के हिसाब से देखा है, बट ये जो रोल है जो हीना एज अ फ्लोरा इलैबोरेट नहीं कर सकती, वो उसके एक्शन के थ्रू आपको बता रही है, सो प्लीज जाके ये मूवी देखिए फेडोरा व्रिंकल्स एंड आई विल सी यू। मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।